मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं मुल्तान का रहायशी हूँ। मेरा काम जरी का है, 15 से 16 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। पहले मैं अकेला होता था, अब हमारे साथ लेबर है, लेबर बैठी हुई है। जरी का काम जो है, फंक्शन में शादी वगैरह हो गई, ठीक है, वलीमा मेहंदी वगैरह हो गई, उसमें बनते हैं, और तकरीबन कोई भी फंक्शन हो जाता है उनके उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये। एक जोड़े की तैयारी में तकरीबन 4 लड़के काम करते हैं, 2 एक पोर्शन में काम करते हैं, 2 फिर पहले आरी या आरी का काम करते हैं, रेशम हो गया, तीला वगैरह हो गया, ये सिला जाता है। फिर उसके बाद कोरा दबका नक्शी वगैरह लगती है, फिर जाकर वो तकरीबन कोई 4 से 5 दिन में एक शर्ट तैयार होती है। शर्ट के साथ मैक्सियाँ भी होती हैं, लहंगे भी होते हैं, वो फिर हैवी वजनी जैसे होते हैं, वो किसी में 10 दिन भी लग जाते हैं, किसी में 15 दिन भी लग जाते हैं, कोई 5 दिन में भी तैयार हो जाता है। कम से कम जो हमारा काम है ना, उसमें तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये के रेंज से लेकर फिर आप जितने तलक बना सकते हो, 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख का, इतना होता है। शर्ट के प्राइस कम होते हैं, लहंगा और मैक्सियाँ वगैरह ये होते हैं, इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। मुआवजे की तो सर जी ये है, एक अरसा दराज हो गया है, इसमें मुआवजा ना तो हमें मिलता है ना ही लेबर को मिलता है, क्योंकि हमें मिलेगा तो हम आगे लेबर को देंगे ना, मुआवजा इसका सही नहीं मिलता। दुकानदार हजरात हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो बुकिंग वगैरह करते हैं कस्टमरों से, वो बहुत अच्छी पेमेंट लेते हैं, और जो हमारी जब बारी आती है तो वो बहुत कम देते हैं, बस हम गुजारा कर रहे हैं। मशीनी काम की चाहने वाले मशीनी काम बनवाते हैं, हाथ के काम वाले हाथ वाला काम बनवाते हैं। हमारे कारखाने में जो तैयार होते हैं वो कराची जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कोयटा जाते हैं, पेशावर जाते हैं, मुल्तान में बनते हैं, कैंट मुल्तान कैंट में जाते हैं, यहाँ हुसैना गाई, मदनी प्लाज़ा, रहीम सेंटर, इनमें मसलन जहाँ पर फैंसी काम वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर हमारा काम जाता है।